हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन फर्स्ट डिवीज़न का पार्ट टू देखेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट रिवीजन पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन फर्स्ट रिवीजन पार्ट वन देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, पार्ट टू की बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें पहला है हमारा राजपूत वंश, यानी राजपूत राजवंश है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो इसके गुर्जर प्रतिहार, यानी राजपूत राजवंश में हम पहले पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें आपको वही बताएंगे हम जो कि आपके क्वेश्चन में, यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन टाइप बना के पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि इसके जो संस्थापक थे वो नागभट्ट थे। आप इसके इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, संस्थापक जो थे नागभट्ट थे। इसकी जो राजधानी थी कन्नौज थी। और बता दें कि इस समय का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था मिहिर भोज था, और जो अंतिम शासक था वो था यशपाल था। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, और उसकी राजधानी क्या थी, उसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। आगे हम देखते हैं, इसमें है हमारा अगला है गढ़वाल वंश है। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे। राजधानी जो थी ये वाराणसी थी। उसके बाद हम देखेंगे अगला है हमारा सोलंकी वंश है। इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। राजधानी अनिहलवाड़ थी। अंतिम शासक जो था भीम द्वितीय था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने, आबू पर्वत पर बनवाया था दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स नहीं बनाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं और हर सब्जेक्ट का जो है आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, हमने सारे का बनाया है हिंदी गणित, सारे का हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन साइंस सबका हमने फास्ट रिवीजन बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखेंगे, चेदी राजवंश जाता है, जिसका जो नाम है कलचुरी नाम के भी, यानी कलचुरी नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके संस्थापक कोकल थे, और सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो गांगे देव था। उसके बाद हम देखेंगे सिसोदिया वंश था। ये लोग जो है अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है आपका चौहान वंश आ जाता है, चौहान वंश आ जाता है। संस्थापक जो थे इसके वासुदेव थे। राजधानी जो थी अक्षत्र थी। और सबसे शक्तिशाली शासक था वो था विग्रहराज चतुर्थ विशाल देव। इन्होंने हरिकेत नामक संस्कृत नाटक की रचना की है, ये आपको याद रखना है कि हरिकेत की रचना किसने की थी, तो विशाल देव ने की थी। उसके बाद हमारा आता है पृथ्वीराज राशो, यानी जो चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज राशो है, यानी पृथ्वीराज राशो, आपको हमने बताया चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राशो। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध था। पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो था पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। उसके बाद तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो कि इसमें जो विजयी हुए थे प्रथम युद्ध में, जो विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं जो चंद्रबरदाई रचना है उसके जो लेखक है वो है पृथ्वीराज राशो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे
सॉरी दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रप्रदाई थे। उसके बाद आपको बता दें तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो था हुआ था 1191 में हुआ था। आपको द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम जो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें विजयी जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान हुए थे, और जो द्वितीय में विजयी हुए थे वो मोहम्मद गौरी हुए थे। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा परमार वंश है जिसके संस्थापक उपेंद्र राज हैं, राजधानी धारानगरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परमार वंश है, इसके संस्थापक उपेंद्र राज हैं, राजधानी धारानगरी है। सबसे शक्तिशाली राजा यानी राजा भोज, आपको इस तरीके से दिखाएंगे, राजा भोज जिन्हें कविराज की उपाधि मिली, ये भोजपुर नगर की स्थापना किए थे, और त्रिभुवन नारायण मंदिर की भी स्थापना राजा भोज ने ही की थी। चलिए आगे देखते हैं, चंदेल वंश हमारा आ जाता है। फिर चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो नन्नुक थे। प्रारंभ में जो राजधानी थी वो कालिंजर थी, राजा धंग ने करवाया था, और जो इसकी राजधानी थी वो थी खजुराहो थी। तो आप देख सकते हैं नोट्स में, आप लिखते चलिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इस प्रकार है, यानी जो ग्रह हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुध है, पृथ्वी, शुक्र, यानी बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, अरुण वरुण जो आता है, प्लूटो जो है वो आपका हटा दिया गया था। दोस्तों आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये हटाया कब गया था, तो आपको बता दें कि ये 24 अगस्त 2006 में आपका ये प्लूटो जो है वो हटा दिया गया था। अब आगे हम देखते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन से हैं लिखिए। तो जिन शक्तियों की उत्पत्ति भूगर्भ में एवं जिनका प्रभाव भूगर्भ और भूतल दोनों पर होता है उन्हें आंतरिक शक्तियां कहते हैं। मोटे तौर पर आंतरिक शक्तियों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अब हम बता दें कि आंतरिक शक्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सार्वभौमिक पटल या विरूपण शक्तियां, या आकस्मिक शक्तियां जो कि अचानक आ जाती हैं। तो आपको बता दें सार्वभौमिक में आप देख सकते हैं इसमें कि पहले फर्स्ट देखेंगे हम सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्ति, इसमें महाद्वीपीय या लंबवत, वलनिक, क्षैतिज या पर्वत निर्माणकारी। आकस्मिक जो आती है वो हमारे भूकंप और ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है जो कि अचानक हो जाता है, हमें पहले से पता नहीं होता है। हम इसमें देखेंगे उन्मजन है, उभार है, निमज्जन है, धसाव है, तनाव है, या भूपटल है, दरारें हैं, संपीडन है, वह वलन पड़ना, उसके बाद है चटकना व दरार, अंश पड़न, विविध प्रकार के प्रंश हैं जैसे सन्नति या उभार, उसके बाद विशाल मोड़ है, वलन है, विविध प्रकार के मोड़ हैं अपनति या अवतन या सन्नति या उभार। चलिए आगे देखते हैं, हम चट्टान के बारे में देख लेंगे। चट्टान हमारे तीन प्रकार से होती है, आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित। तो दोस्तों हम आग्नेय चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा आपसे कि आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आग। अतः ऐसी शैल या चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म जो द्रव्य होता है उसके ठंडा होने से हुआ है। उसके बाद बताएं रासायनिक संरचना के आधार पर जो अग्नेय चट्टानें होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं, इसमें अम्लीय चट्टान या क्षारीय चट्टान। तो अब बा नंबर हम देखेंगे अवसादी चट्टानें हमारे, तो अवसादी चट्टान के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे कि इन चट्टानों को प्रतदार चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस के निक्षेपण से बनी हो, या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हों। यद्यपि अवसादी शैल भूपरपटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही भाग है, तो पृथ्वी के स्थलमंडल के 75% को घेरे हुए हैं। बलुआ पत्थर तखड़िया अवसादी के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप उदाहरण देख सकते हैं। अन्य उदाहरण भी हैं जैसे आपके यहाँ पे देखेंगे चूना पत्थर सेल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चूना पत्थर सेल, स्लेट कोयला और लेखनी है। तीसरा नंबर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं, कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता
एवं खनिजों के रूपांतरण के हो जाने से परिणाम स्वरूप से बनती हैं। कायंत्री का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है रूप स्वरूप में परिवर्तन, यानी स्वरूप में परिवर्तन, बदलाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समनत वलन किसे कहते हैं? प्रश्न आप देख सकते हैं इसका जो, यानी किसे कहते हैं, तो इस वलन विशेष की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वलन की दो भुजाएं एक हुई ओर झुकी होती हैं, यानी एक ही ओर झुकी होती हैं तथा वे लगभग समांतर होती हैं, जिन्हें हम समनत वलन कहते हैं। आगे हम देखेंगे, तो दोस्तों हम देखेंगे भूकंप आने के क्या कारण हैं और भूकंप आने के समय क्या सावधानियां हम रख सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका 2016 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बार सभी फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। जो दोस्तों भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों कोई भी त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सुधार करेंगे जिससे कि आपको हम और अच्छे से वीडियो बनाकर दे सकें। तो चलिए आगे हम देखेंगे भूकंप के कारण हैं। जो कारण होता है दोस्तों होता है चट्टानों का हिलना। शुद्ध भाषा में आपको बता दें, जो पृथ्वी होती है वो अकस्मात तो उसकी जो चट्टाने हैं वो फिसलने लगती है, जिसके कारण भूकंप आ जाता है, यानी पृथ्वी हिलने लगती है। तो दोस्तों चलिए हम इसमें पढ़ के थोड़ा समझते हैं। चट्टानों का हिलना, जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती हैं तो कंपन पैदा होता है जो चारों ओर फैलने लगता है। इस प्रकार चट्टाने के हिलने को ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप का कंपन केवल भूपटल भाग में ही सीमित रहता है। अब आगे देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि भूकंप से हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों भूकंप जो है वो एक तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप विरोध नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हों, यानी जो उपाय है वो क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर या भवन से दूर खड़े हो जाएं। दोस्तों आप पूरे परिवार को भी बताएं, उनको सजेस्ट करें। टू नंबर है, यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हों तो किसी मेज तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रखें, खिड़की अलमारी या भारी वजन वस्तु ना हो, पंखे के नीचे अथवा बगल में छुपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है, मकान से बाहर निकलने सिर को हाथ से तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें, ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। फोर नंबर देखेंगे, अगर आप खुले क्षेत्र में हैं तो तुरंत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार, खंभे और मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। उसके बाद हमारा आता है आपदा प्रबंधन से क्या, यानी आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा से आशय प्राकृतिक अथवा मानव जन कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट, गंभीर घटना है जो प्रभावित समुदाय की सहज क्षमता से परे हो। ज्वालामुखी, बाढ़ व सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि विनाशकारी घटनाओं से जनधन की व्यापक क्षति होती है। आपदा प्रबंधन का अभिप्राय दोस्तों ये होता है कि आपदा के प्रभाव को, सबसे नीचे से तीसरी लाइन देखेंगे, आपदा के प्रभाव को कम करना एवं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा की स्थिति के अनुसार राहत और पुनर्वास का कार्य करना, जिससे धन एवं जन की क्षति कम न्यूनतम किया जा सके। दोस्तों आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। 2015 में ये पूछा गया था दोस्तों, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं, जिसमें पहला है आपका क्षमता का अधिकार। समता के अधिकार का अंतर्गत ये माना जाता है, मतलब समता के अधिकार, समानता के जो अधिकार है उसका अर्थ होता है संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान है। राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है।
समानता के मूल अधिकार में निम्नलिखित अधिकार होते हैं, जैसा कि पहला है इसमें विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के समाप्ति, उसके बाद है आपका सरकारी नौकरियों में समान अवसर, उसके बाद है अस्पृश्यता, दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में भारतीय संविधान में स्वतंत्र के अधिकार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बता सकते हैं 19 से 22। चलिए इसमें जो कुछ स्वतंत्रताएँ दोस्तों प्राप्त हैं, जो कि 6 स्वतंत्रताएँ हैं जो कि प्राप्त है, तो भाषण तथा विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, शांतिपूर्ण विभिन्न शस्त्रों यानी शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। तीसरा नंबर हमारा आ जाता है अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस संविधान इस अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 22 से यानी 23 और 24 में नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया था। इसमें जो होता है यानी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो है मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक, बेगार और तथा बलपूर्वक श्रम का अंतर, कारखानों आदि में बालकों को काम पर लगाने का निषेध। चौथा नंबर हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 25 से 28 अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य के दृष्टि से सभी धर्म जो है वो समान माने जाएंगे। 5 नंबर हमारा आता है शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अंतर्गत समस्त नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, जिसमें जो अधिकार है वो अपनी भाषा लिपि या संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। लास्ट हमारा जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो है हमारे की धारा 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, दोस्तों ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य हैं आपके, यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ अपने विचार लिखने हैं। तो आपको बता दें कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के कई उद्देश्य थे, ऐसा इसलिए किया गया कि नागरिक जो है वो देशभक्त बन सके, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तथा संप्रभुता और एकता को सुरक्षित बनाए रखें। अब आगे हम देखेंगे इसमें वायुमंडल के बारे में आपको कुछ बता दें कि आपका जो सिलेबस है वो वायुमंडल भी है, वायुमंडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को कहते हैं, इसकी ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। आयतन के अनुसार विभिन्न गैसों का इसमें मिश्रण है, जिस प्रकार जैसे अब नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है आपका 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं, जैसे कि इसमें पहला आता है आपका नाइट्रोजन आता है, यानी इस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है सभी गैसों से अधिक होती है। उसके बाद आप इसको दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और नोट्स में भी थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। जैसे इसमें मेन पॉइंट आप लिख लीजिए, जैसे वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है यह गैस, यानी जो नाइट्रोजन गैस है वो 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल में फैली हुई है। उसके बाद आपका 2 नंबर पर आता है ऑक्सीजन आता है, जो कि यह गैस 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, प्रति किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तीसरे नंबर पर आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है, इसका कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो दोस्तों ये थे
वायुमंडल के बारे में कुछ हमने आपको बताया, यानी वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो थी आपकी नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें थी। उसके बाद हम देखेंगे इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे। तो वायुमंडल की संरचना में पहला हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, जो कि यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसको उपयोग करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है समताप मंडल है, जो कि ये समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप और समान रहता है और इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे है हमारा ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि यह धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, वायु यानी ओजोन मंडल को। इससे भी आपको ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन मंडल को कहते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा आयन मंडल है। आयन मंडल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब और प्रबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। उसके बाद आपका हमारा आता है वायुमंडल आता है, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित अभी नहीं की गई है। आगे हम देखेंगे सूर्यतप किसे कहते हैं। ये बहुत ही बार दोस्तों पूछा जाता है, सूर्यतप क्या है? तो पृथ्वी से यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहते हैं। यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहते हैं। तो दोस्तों ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का पार्ट 2 था। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।